जिक्र हुआ था किसका जी? मानेक शाह का। हाँ हाँ। और आपने अपनी किताब में भी एक वाक्य लिखा है। हाँ हाँ। तो मानेक शाह को कहा आप रेट करते हैं? उन्होंने कहा कि कत्तर की जंग में अगर मैं पाकिस्तानी फौज का कमांडर इन चीफ होता तो पाकिस्तानी फौज जीत जाती। देखिए मानेक शाह वैसे ही अपने आप को ब्लॉक करता है। इस पाकिस्तान में शामी साहब इस तरह था, मैं कौमी असेंबली का मेंबर था तो 1967 में सेशन के लिए ढाका गए और बीच में ब्रेक हुआ तो शेर के शिकार में सिलेट के चाय के बागात में चला गया। वहां कलिंगा रिजर्व फॉरेस्ट है, उधर शेर काफी थे। तो जो चाय के बागात थे उसके ज्यादा मैनेजर जेम फिनले कंपनी के वेस्ट पाकिस्तान के थे और नादर शाह एक नौशहरे के हमारे थे मैनेजर। उन्होंने मुझे रात के डिनर के लिए बुलाया। तो ये अब 67 जनवरी की बात है। हाँ जी। तो उन्होंने खाने के बाद मेरे से पूछा जी आप असेसमेंट दें क्या हुआ। तो मैंने कहा देखो मेरी असेसमेंट यह नाकस राय है कि यहाँ इस पाकिस्तान में हालात इसी तरह हो जाएंगे जिस तरह 1897 में हुए थे अंग्रेज के खिलाफ, जो पहली जंग आजादी। ठीक है जी। तो आप जो उनसे आपकी फैमिलीज हैं आप बिखरे हुए हैं मिलों पे, ये टी स्टेट्स हैं, आप बिखरे हुए हैं साथ साथ कोई नहीं। तो अगर ऐसे हालात होते हैं तो बिल्कुल आप चिटागांग या ढाका की तरफ ना जाना, आप काटे जाएंगे मारे जाएंगे रास्ते में, आप सीधा हिंदुस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके वहां चले जाना, जेल में रखेंगे 3-4 महीने फिर वेस्ट पाकिस्तान भेज देंगे। ठीक। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि 1971 में एक टैंक की रेजिमेंट थी 29 लांसर्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल सगीर हुसैन साहब ले जा रहे थे और मेरे घर में कराची आके ठहरे, उनकी बीवी भी वो भी। ठीक। तो मैंने उनको कहा कि बेगम को क्यों ले जा रहे हो, हालात खराब हैं। और उनको मैंने एक किताब दी जॉन मास्टर्स की थी, नाइट रनर्स ऑफ बंगाल, ये 1897 का पूरा का। मैंने कहा ये आपके साथ हशर होने वाला है वहां, क्या कर रहे हैं, और टैंक में आपके रेजिमेंट मिक्स्ड है, वेस्ट पाकिस्तानी हैं और आधे ईस्ट पाकिस्तानी हैं, लेकिन टैंक का गनर और ड्राइवर आप वेस्ट पाकिस्तानी रखना। मगर फिर ये लड़ाई लड़ी क्यों हमने, सुने ना। हाँ जी। और तीसरी चीज, जब जनरल अली कुली खान उस वक्त मेजर थे तो अप्रैल 71 में जा रहे थे हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान। गौर साहब मुझे आपको रोकना पड़ेगा, अली गौर साहब एक ब्रेक का वक्त आया है दरमियान में। हम ब्रेक के बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू करते हैं, आप देखते रहिए नुक्ता नजर। गौर साहब जी, नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद, गुफ्तगू हो रही थी गौर अयूब खान साहब से और हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जी शाम तक। हाँ जी, आप फरमा रहे थे जनाब, वो वाकया बता रहा था कि अप्रैल 1971 में मेजर अली कुली खान, अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान है, मेरे ब्रदर इन लॉ भी थे, कराची मेरे पास आके ठहरे। तो इन्होंने जाना था ईस्ट पाकिस्तान हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के लिए। अच्छा। तो मैंने इनको कहा देखो अली, यहाँ जंग होगी हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान आर्मी की सरेंडर होगी। अच्छा। अपने हेलीकॉप्टर जो उनसे हवाई अड्डे के ऊपर ना रखना, जंग हुई ऐसी जगह रखना, फ्यूल पूरा के निकलना हो तो नेपाल की तरफ निकल जाना या बर्मा की तरफ निकल जाना। वही चीज हुई कि 16 दिसंबर 2 बजे सुबह ये 6 हेलीकॉप्टर जो उनसे हैं बर्मा की तरफ निकल गए। तो अली कुली वापस आ गए। मानेक शाह कहते हैं कि मैं जंग जीत जाता तो वहां हमारी फौज थी नहीं, ना होने के बराबर सिर्फ 12 फाइटर जहाज थे, 72 टैंक थे, लाइट टैंक्स रिकॉन्सेंस M24 शेफीज उनको कहते हैं, और 3 डिवीजन बड़ी मुश्किल से कोई पुलिस वालों से की, कोई रजाकार के साथ की, कोई स्काउट्स के साथ इस तरह, और हल्के मशीन गन राइफलों के साथ की। हिंदुस्तान ने 144 जहाज इस पाकिस्तान के अंदर जमा कर लिए, अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर जो उनसी है बंगाल में ले आए और नेवी पूरी ले आए, ब्लॉकेट कर दिया, और 9 डिवीजन जो उनसी है हमारे जो उनसे इल इक्विप 3 डिवीजन के मुकाबले में 9 डिवीजन रखी। तो जो हमारे वहां सिपाही अफसर लड़े उनकी बड़ी बहादुरी है। मानेक शाह अगर होता तो मेरे ख्याल है उनसे पहले सरेंडर कर जाता। तो मानेक शाह का तो किस्सा भी आपने लिखा है ना, कि वो जो एक फौजी अफसर था इंडिया का जो पाकिस्तान को राज दे दिए थे उसने। जी मैंने जरूर लिखा है, उस पर बड़ा हंगामा हिंदुस्तान में हुआ। हाँ, लोकसभा में जो उनसे प्रताप मुखर्जी ने बड़ा मुझे ऊपर नीचे किया, इंक्वायरी फौज की हुई और उसकी पूरी रिपोर्ट जो उनसी है आई हुई है, जनरल रिटायर्ड जो आर्मी चीफ थे उनके जे सिंह, वो आप अगर उनको कांटेक्ट करेंगे वो जरूर कहेंगे नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं था, गौरव युग वैसे ही कर रहा था। 20,000 रुपए का इल्म है, इन्होंने 20,000 रुपए लिए थे। जी हाँ जी। चलिए।